of Islamic International School welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Mu'min. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. Don't know about you, I know about me. I'm proud cause I'm rolling Islamically. Everywhere I see, even on TV, people talking trash about the way I be. But what they all hate is if we get great, cause we're the only ones with our heads on straight. Don't ever frown and your head looking down. If you read the Quran, you're the best in the town. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with them. M-U-S-L-I-M, I'm so blessed with kids. कल रात 7:30 बजे इंडिया में और शाम 5 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर. वक्त फुर्सत है कहा काम अभी बाकी है, मेरे तहजीब का इतमाम अभी बाकी है. मौलाना अबू जफर हसन नदवी अजहरी पेश करेंगे दावत हक. अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर. हमारे नौजवानों के बिगड़ने का एक सबब यह भी है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग भी पाए जाते हैं लेकिन जरिए माश की कमी है. कमाई धमाई के लिए कुछ है ही नहीं तो अपना वक्त कहां लगाएंगे. डिग्रियां तो रखे हुए हैं लेकिन डिग्री के हिसाब से कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है. तो ऐसे नौजवान क्या होता है, वो फिर गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद दिलाता हूं ऐसे नौजवानों के लिए, डिग्रियां रखे हुए क्या हुआ. अरे आओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करते हुए क्या करो. सही बुखारी किताबुल मुसाकात किताब नंबर 42 हदीस नंबर 2373. लअन याखुज़ अहदुकुम अहबलन फयाखुज़ हुज़मतन मिन हतबिन फयबीअ फयकुफ अल्लाह बिहा वजहु खैरुन मिन यसलन नास उतिया अमुनिया. तुम में का आदमी क्या करे, रस्सियां ले ले, जंगल में जाए, लकड़ियां काट कर लाए, बेचे, ये बेहतर है कि लोगों से मांगे कोई देगा और कोई नहीं देगा. नौजवानों के बिगड़ने का एक सबब यह भी है कि बुजुर्गों के दरमियान और नौजवानों के दरमियान दूरी पाई जा रही है. मां बाप क्या सोचते, जी हम अपने बच्चे से किसी काम में मशवरा करेंगे, ये हमारी शान के खिलाफ है. क्या बोलते मां बाप, जी मैं उसका बाप हूं कि वो मेरा बाप है. अरे हम बड़े हैं, हम जो चाहे फैसला कर दें, कोई इख्तियार नहीं बाल बच्चे को, जहां चाहे उसकी शादी कर दें. मशवरा क्यों लेने जाएं, क्यों करने जाएं. दूरी पाई जा रही है. अपनी मजलिसों में बुजुर्ग हजरात नौजवानों को नहीं बुलाते. मैं तमाम की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग नहीं बुलाते दूरी का एक सबब यह भी है. आइए मैं आपको वो आयत याद दिला रहा हूं जो आपके जहन में आ गई होगी कि आप ये सोचते हैं कि जी मेरा बेटा इस्माइल जैसा नेक क्यों नहीं है. तो पहले आपने गौर किया, क्या आप इब्राहिम जैसे नेक है. मैं हर एक से बात करना चाहता हूं. सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102. या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा फंजुर माज़ा तरा. मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, बोल तेरी क्या राय है. तो यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि मैं बाप हूं और अपने बेटे से मशवरा लेने जाऊंगा. अरे ख्वाब देखा फौरन ज़बह कर दिया. कुछ लोग तो ऐसे भी है जो शादी के मामले में भी मशवरा नहीं लेते. भाई जहां आया हम कर सकते, तालीम हासिल करनी है मशवरा नहीं लेते, भाई हमें इख्तियार है. ये मां बाप का कहना है. मैं कुछ चंद मां बाप की बात करता हूं. बोल बेटा तेरी क्या राय है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा. तो अगर बाप ऐसे मशवरा लेता है तो बेटा क्या कहेगा, या अबती फलमा तोमर, अब्बू जान कर गुजरिए जिसका हुक्म हो रहा है. सतजदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे इंशाअल्लाह. अगर आप ख्वाब देखते हैं कि आपका बेटा इस्माइल जैसा नेक हो तो जरूरी है आपके लिए कि आप इब्राहिम जैसे नेक बनिए. नौजवानों के बिगड़ने का एक सबब यह भी है कि बहुत सारे मां बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों के दरमियान
ना इंसाफी करते हैं, इंसाफ से काम नहीं लेते। बेटे को बहुत ज्यादा चढ़ा दिया है, मेरा बेटा और बेटी को, या फिर कुछ बच्चे को ज्यादा दे दिया, हाँ ये मेरी खिदमत बहुत ज्यादा करता है, चलो माल इसको दे दिया, इसको नहीं दिया क्योंकि ये मेरी खिदमत नहीं कर रहा है। अरे भाई आपने तरबियत किया क्या कि वो आपकी खिदमत करेगा? आपकी खिदमत नहीं करता इसका मतलब यह कि आपके अंदर कमी है कि आपने उसे समझाया नहीं, बुझाया नहीं, इसलिए वो खिदमत नहीं कर रहा है। सही मुस्लिम के हवाले से मैं बयान करना चाहूंगा, सही मुस्लिम किताबुल हिबात बाब नंबर 3 हदीस नंबर 1623। नुमान रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उनके बाप बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कुछ माल दे दिया। क्यों? इसलिए कि उसकी मां ने जोर डाला था बाप के ऊपर कि माल मेरे बेटे को दे दो। उनके पास ये दूसरी बीवी थी बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, तो एक बीवी ने कहा कि आप मेरे बेटे को माल दे दीजिए, यानी नुमान को माल दे दीजिए। साल भर तक मामला चलता रहा, कहा आप इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गवाह बना लीजिए। दोनों बाप बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप से पूछा, अफअल तहादा बिवलदिका कुल्लिहिम, ऐ बशीर क्या तूने अपने तमाम बेटों को माल दिया है? ला अल्लाह के रसूल, मैंने नहीं दिया, सिर्फ नुमान को दे दिया है। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इत्तकुल्लाह वअदलू फी औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो। बहुत अहम चीज है ये। औलाद के बिगड़ने का एक अहम सबब यह भी है, नौजवानों के बिगड़ने का एक सबब यह भी है, मखलूत तालीम। मखलूत तालीम तो हमारे माशरे का एक जहर है, एक कातिल है। मखलूत तालीम से मुराद क्या है? यहां भी मैं उन नौजवानों की बात करता हूं जो नौजवान एक साथ बैठकर तालीम हासिल करते हैं, लड़के और लड़कियां एक साथ एक ही क्लास में बैठकर इल्म हासिल करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और उसमें भी उस नौजवान की बात कर रहा हूं जो इस हालात से वो बेकार हो गए, बर्बाद हो गए, वहां जाकर वो इल्म क्या हासिल करेंगे, इश्क ज्यादा लड़ाते हैं और बिलाखिर वो कर गुजरते हैं जो नहीं करना चाहिए। देखते नहीं आप? देखिए क्या होता है, कैसा मंजर होता है। उन कॉलेजों के पास जाइए जहां साथ में बैठकर पढ़ते हैं, कैसा मंजर होता है, वो मंजर बयान करने के काबिल नहीं है। अफसोस, सद अफसोस कि हमारे दरमियान ऐसे स्कूल क्यों नहीं कि लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है, क्यों नहीं ऐसे? आपने ये भी सुना होगा और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया ने देख लिया है कि मखलूत तालीम के नुकसान कितने हैं। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि कितनी लड़कियां शादी से पहले ही बच्चे वाली हो गई, बार बहुत चल रहा है ऐसा। अल्लाह ताला हमारी तहजीब को इससे बचाए, लेकिन बहुत डर लगता है कब तक दुआओं से काम चलेगा जब तक कोई इकदामी कदम न उठाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों के अंदर कुछ बिदारी तो आ रही है, वो इस तरीके का स्कूल खोल रहे हैं जो अलग अलग हो। आपने यह भी सुना होगा कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि पढ़ाने वाले अपने खुद तालिबा के साथ ही इश्क लगाते रहते हैं, ये भी सुना होगा आपने। कितने ऐसे भी हैं पढ़ाने वाली जो है वो भी अपने तालिबे इल्म के साथ, मैं कहीं कहीं की बात करता हूं, वो भी ऐसा करते रहती है। इस्लाम कहता है जहां मर्द और औरत एक साथ रहेंगे तीसरा जो है वो शैतान रहेगा और वो अपना मकसद पूरा करवाएगा। तो नौजवानों के बिगड़ने का एक सबब यह भी है, और मेरे हिसाब से उस दरमियान के जो नौजवान बिगड़ रहे हैं सबसे बड़ा हाथ है ये। नौजवानों के बिगड़ने का एक अहम सबब यह भी है आजकल के आलात। आलात से मुराद नौजवानों के अखलाक को खराब करने वाली चीजें आ गई है। ये अखबारात हैं, मैगजीन है, रिसाले हैं, मोबाइल फोन के अंदर हर चीज देखने के लिए मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स आ गए हैं और बुराई को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो लोग बुराइयां फैलाने में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों के दरमियान बुराइयां फैले, उन्हें डरना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको कभी भी बर्बाद कर सकता है, उसके लिए दुनिया और आखिरत में तबाही का सामान है। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 19, इन्नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशी अल्फाहिशतु फिल्लज़ीन आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। जो लोग पसंद करते हैं कि बुराइयां मोमिनों में फैले, मुसलमानों में फैले, चाहे जिस तरीके से फैले, फैलाना चाहते हैं, उसके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते हो। नौजवानों के बिगड़ने का एक अहम सबब यह भी है
कि उसके अंदर दीनी जज्बा की कमी पाई जा रही है। मैं तमाम नौजवानों की बात नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान तो ऐसे भी हैं जिसके अंदर इतना ज्यादा जज्बा है उतना उनके मां बाप में भी नहीं है।